गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपका चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज जो थी क्लास 8 से 10 क्वेश्चन तक किए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें जो 11th क्वेश्चन है वो क्या है, डिवाइड 2400 इनटू टू पार्ट्स सच दैट 11% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 13% ऑफ सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट हमें नहीं पता क्या है, 2400 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ए एंड बी, राइट। तो ए का मान लिया मैंने लेफ्ट, फर्स्ट पार्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट में मेरा वो होगा एक्स होगा, हो सकता है एक्स में आप 100 हो, 200 हो या 1000, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने एक्स मान लिया, सेकेंड पार्ट क्या होगा, जितना बचा है उसमें से माइनस कर दिया, टोटल कितना था 2400 में से फर्स्ट पार्ट को माइनस कर दिया, बाकी से किसका आया, बी का, राइट। सपोज अगर ए के पास 1500 है तो बी को कितना मिलेगा, 2400 माइनस 1500 यानी कि 900। तो हमने ए के लिए माना है एक्स और बी के लिए जो हमारा आएगा 2400 माइनस एक्स आएगा। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सच दैट 11% ऑफ फर्स्ट पार्ट, किसका 11%, किसका फर्स्ट पार्ट का 11% ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 13% ऑफ सेकंड पार्ट, 13% ऑफ सेकंड पार्ट इसके इक्वल है 11%। बेटा परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में अपना 100, 11/100 ऑफ मल्टीप्लाई इनटू माय एक्स, सेम यहां पे 13/100 इनटू 2400 माइनस एक्स। अब देखिए ये 100 है या ये 100 है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कैसे होंगे, कैंसिल आउट होंगे, मैं ये कर रहा हूं 11 की x से मल्टीप्लाई 11x, 13 की मल्टीप्लाई 2400 से करोगे तो आपका आएगा 31200। ओके, 13 13x, अच्छा ये यहां पे माइनस में, इधर आएगा आपका प्लस में, 11x + 13x = 31200 और 24 ऑफ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, इसको मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो इसकी वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1300, यानी जो फर्स्ट पार्ट था वो कितना आया आपका 1300। तो फर्स्ट पार्ट यहां पे लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका हुआ 1300 और सेकंड पार्ट आपका कितना हुआ, फिर सेकंड पार्ट 2400 माइनस 1300, तो 2400 में से आप 1300 माइनस करेंगे कितना आएगा 1100 आपका सेकंड पार्ट, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ऑन डिवाइडिंग रुपीज 200 बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पे क्या है, 200 रुपए ए और बी में डिवाइड कर देंगे, किस तरह से, सच दैट ट्वाइस ऑफ ए शेयर, जो ए का शेयर है वो कितना है, ट्वाइस है उसका, ट्वाइस ए के शेयर का, ट्वाइस बी के शेयर से कितना कम है, लेस देन 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर बाय 200, B का 3 टाइम्स और उससे 200 कम है, राइट। तो A का शेयर कितना x और B का शेयर कितना हुआ, टोटल कितने थे 200 में से हमने x पहले कितने दी थी, x हमने दे दिए, अब x तो हो सकता है 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो सकता है। तो A का शेयर x हो गया, B का शेयर हो गया 2200 माइनस में x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स ऑफ किसका, ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ A कर लिया मैंने, अच्छा किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ बी, 3 टाइम्स ऑफ बी लेस देन यानी कि कम करना है, कितना 200 माइनस 200 किया, तो 3 मल्टीप्लाई 200 600, 3 की x से मल्टीप्लाई किया 3x और माइनस में 200 है। ये जो x है अपने वेरिएबल के साथ जाए, यहां पे माइनस है इधर जाएगा प्लस में, और 600 में से 200 माइनस किया कितना आया 400, 2 और 3 5, 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर आया मल्टीप्लाई उसमें मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय में कैंसिल आउट करके एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 80 आई। आपसे यहां पे पूछा है फाइंड द बी शेयर, शेयर निकालना बी का, तो ए का शेयर आ रहा है 80 रुपए, बी का शेयर कितना आएगा 200 माइनस में 80 यानी कि 120 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अंशु बाय सम चॉकलेट्स at the rate of rupees 10 per chocolate and also buys an equal number of candies
5 पर कैंडी, यानी कि आंसर है कुछ चॉकलेट खरीदी, जितनी चॉकलेट खरीदी उतनी ही उसने कैंडीज खरीदी, ओके। जबकि उस पर सी मेक्स अ 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट, और से चॉकलेट पर से प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 20%, जितने उसने खरीदी थी उसके बाद उसे बेच दी तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह उसे कैंडीज पर कितना प्रॉफिट हुआ 8% का, जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसको वो कितना हुआ रुपीज 240 का। तो बताइए उसने कितनी चॉकलेट खरीदी थी और कितनी कैंडीज खरीदी थी, राइट। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ चॉकलेट या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कैंडीज जो उसने खरीदी है वो कितनी खरीदी है एक्स खरीदी, क्योंकि दोनों बराबर है। अब कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की कॉस्ट कितनी थी 10 रुपए की एक खरीदी है तो चॉकलेट कितनी खरीदी एक्स, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 10x। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ कैंडीज, कैंडीज की कॉस्ट कितनी है 5 रुपए, एक 5 रुपए की एक है लेकिन कैंडीज खरीद कितनी रही है वो एक्स खरीद रही है तो टोटल कॉस्ट कितनी आई 5x। अच्छा प्रॉफिट परसेंट ऑन चॉकलेट, चॉकलेट पर जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हुआ 20%, किसका 10x का, टोटल पर हुआ है 20% का। एंड प्रॉफिट ऑन कैंडीज, कैंडीज पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 8% पर, किस पर 8% ऑफ 5x का, जबकि उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ 240 रुपीज का, राइट। तो देखिए 20% ऑफ 10x प्लस में 8% ऑफ 5x इक्वल्स टू 240। अब यहां पे 20% परसेंट का मतलब अपॉन 100, 20 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू में 10x, सेम यहां पे 8 अपॉन 100 इनटू 5x इज इक्वल टू 240। 20 की 10 से मल्टीप्लाई की 200 अपॉन में 100, 8 5 का 40 अपॉन 100, दोनों का एलसीएम देखिए क्या आ रहा है 100 आ रहा है, 100 एलसीएम ले लिया, 100 से 100 वन टाइम, 200 एज इट इज, 100 से 100 वन टाइम, 40 एज इट इज, तो ये आ गया 200x plus 40x, दोनों का एड करने कितना आएगा 240x अपॉन में चल रहा है 100 इज इक्वल टू आपका चल रहा है 240। देखिए ये आपका किसमें है डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो यहां पे 240 से आपका 240 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 100, यानी कि जो उसने नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज किए वो कितनी किए हैं लिख लेना आप यहां पे, सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज इज इक्वल टू 100 इक्वल्स टू 100, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, 14 कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का, सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, राइट। जैसे मैंने लिख दिया 3/5, तो ये मेरा क्या हुआ ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर, राइट। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया जिसका मैंने न्यूमरेटर क्या मान लिया, ऊपर वाला मान लिया x, जबकि डिनोमिनेटर आपको दे रखा है कितना, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन, तो 4 इससे लेस देन कितना 4 है, तो x माइनस 4 हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 6 इज एडेड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में मैंने 6 ऐड कर दिया, इट बिकम्स थ्राइस द डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। 3 into x 3x, 3 minus 4 12, 3x plus में इधर आएगा minus में, plus का 6 है दूसरी तरफ जाएगा minus का 6, minus 3 में से plus का x जाए minus के 2x और minus 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 के 18, minus से minus cancel किया, x is equal to कितना है 2 multiply में इधर जाएगा divide में 2 से 9 times, तो x की value जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी 9 आएगी, राइट। इसलिए numerator क्या होगा आपका जो x था यानी 9, और डिनोमिनेटर क्या होगा 9 माइनस में 4 यानी कि 5। पूछा गया आपसे, पूछा आपसे फ्रैक्शन के बारे में, तो न्यूमरेटर 9 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 9 अपॉन 5, क्लियर। 15th क्वेश्चन, राजेश कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर, पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर,
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगी, लेट जो उसने फुट से डिस्टेंस कवर किया वो कितने की है, एक्स मान लिया, टोटल कितनी की है उसने 20 किलोमीटर, तो फुट पर कितनी एक्स होगी, बाकी किससे की है उसने साइकिल से, तो इसमें से हमने एक्स को माइनस कर दिया, बाकी बची हुई किसकी हो गई, साइकिल से। मान लो उसकी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कितना चला है साइकिल पैदल, ये हमें नहीं पता, तो x हमने मान लिया और जो फुट की हो डिस्टेंस बाइसिकल की हो गई वो 20 माइनस x हो गई। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ फुट, स्पीड फुट पर जो चल रहा है उसके रिक्वेस्ट रेट से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, एंड बाइसिकल पर जो चल रहा है उसकी रेट उसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो टाइम कितना लगेगा x डिस्टेंस को कवर करने में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये जो होती है आपकी टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है आपको टाइम के इक्वल, राइट। तो मेरा डिस्टेंस कितना लग रहा है x और टाइम कितना लग रहा है 5, तो ये होगी मेरी x अपॉन 5 यानी कि टाइम। इसी तरह टाइम टेकन बाय बाइसिकल, बाइसिकल से जो टाइम ले रहा है वो कितना है 20x, 20 माइनस में x अपॉन 10। अच्छा अब टोटल जो टाइम ले रहा है वो आपको दे रखा है 20 किलोमीटर कवर करने में, जो टोटल टाइम ले रहा है वो ले रहा है 2.5 घंटे, यानी कि दोनों को ऐड में करता हूं दोनों टाइमों को तो ये आता है आपका 2.5 आवर के। आप इसको सॉल्व करेंगे 5 का 10 का एलसीएम हो गया 10, 5 से ज्यादा 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x और 10 से 10 1 टाइम, यानी ये एज इट इज आएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 2 4 4 और 1 5 5 by 2 2x में से x गया आपका रह गया x और प्लस में आपका 20 है, अपॉन में क्या चल रहा है x, इसको देखिए आगे कैसे करेंगे सॉल्व, x यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो आप, या फिर 10 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए। चलो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 20 और 5 इंटू 10, राइट। तो 2x प्लस 40 इक्वल टू 50 और 2x इज इक्वल टू 50 माइनस में 40 यू गेट 10, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 10 अपॉन 2 यानी कि 5। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, और फुट के लिए क्या माना था आपने x, जबकि x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। तो आप लिखोगे सो द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, कवर्ड ऑन फुट या बाय फुट, ठीक है, कवर्ड बाय फुट इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा।